हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह जो है, मेन गेट हम दिखा रहे हैं आपको सामने। यहाँ से आप फूल, अगरबत्ती, चादर सब लेने के बाद में जा सकते हैं। ये जो इधर गली देख रहे हैं, इधर बहुत मार्केट लगा हुआ है। ये जो पाइप लगा हुआ है ना, ये पाइप जो लगा हुआ है बावली में से पानी निकलने के लिए, पानी भर गया था। तो अब यहाँ से हम लोग धीरे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं रूम पर जाने के लिए अपने। तो यहाँ से हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग का जो रूम मिला है ऊंचाई पे मिला हुआ है। और यहाँ से हम लोग धीरे से अंदर जाते हैं रूम के। तो ये जो रूम का गेट है ना, ठीक ठाक है, अंदर काफ़ी अच्छा व्यवस्था दिया। रूम ले लिए हम लोग, तीनों लोग बैठे हैं अब रूम में। और इधर बाथरूम है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाए, उसके बाद चलते हैं ज़ियारत करने। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, आप देख रहे हैं जमशेद ब्लॉग। तो हम आए हुए हैं दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया। तो रूम में हम लोग ने नहा धो के यहाँ से निकलते हैं। तो फूल माला चादर अगरबत्ती लेने के बाद चलते हैं मज़ार शरीफ पे, थोड़ा फातिहा वातिहा पढ़ने के बाद। तो वहाँ का सारा हम व्यू, जो इंतज़ाम है वहाँ का, सब दिखाते हैं। अगर वीडियो बनाना परमिशन होगा कि बना लेंगे, वरना अगर अलाउ नहीं होगा वीडियो बनाना तो फिर जितना हम दिखाएँगे उतना ही देखिएगा। तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते हैं, अब हम लोग लेते हैं अगरबत्ती और जो लेना है हमें लेते हैं, और चादर लेते हैं, चलते हैं दरगाह पर, फातिहा वातिहा करवा लेते हैं। तो यहाँ से सब हम कलेक्ट करवा रहे हैं, चादर और सब फूल माला असर सब लेने के बाद भाई की दुकान से ले रहे हैं हम। यहाँ से चलते हैं फिर मज़ार पर थोड़ा ज़ियारत करने के बाद ही। तो यहाँ से एक बावली है, बहुत पुराना है और बहुत गहरा है। भाई कुछ बता सकते हैं इसका? हज़रत का तालाब है, हज़रत का तालाब है, जो कि बहुत पुराना और बहुत गहरा है। 750 साल पुराना, 750 साल पुराना है ये। तो यहाँ से कुछ पानी वगैरह निकल रहा है, जो कि बारिश में, बारिश हुआ था तो भर गया था। तो बहुत गहरा और बहुत पुराना है तालाब। यहाँ हमारे भाई ले चलते हैं, अब चलते हैं दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, ये रास्ता है। और इधर भी रास्ता है, काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है। यहाँ डस्टबिन रखा हुआ, पानी ऊपर से गिरता है। एक दुकान भी है यहाँ पे, कुछ लोग धागा बांधते हैं। और यहाँ से हम दिखा देते हैं आपको जो बावली है, यहाँ से भी दिखता है। एक यहाँ पे मज़ार शरीफ है, आप लोग ज़ियारत कर सकते हैं। इधर रास्ता है, इधर भी दुकान है। तो काफ़ी अंदर है, इधर सब दुकान वगैरह है। तो यहाँ पे हम आए मज़ार पे, यहाँ से फूल माला लेने के बाद ही मज़ार पे ज़ियारत करने चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से हम चलते हैं ज़ियारत करने। तो यहाँ भाई हमको बुला रहे हैं, इधर आ जाओ, यहाँ पे मज़ार पे ज़ियारत देख सकते हैं आप लोग। अंदर मज़ार है, इधर मस्जिद, बहुत काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, अंदर नमाज पढ़ रहे हैं लोग। ये देखिए, जमसु भाई चादर चढ़ा लिए हैं। ये मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है।
और एक मज़ार शरीफ वहाँ पे है, वहाँ चलते हैं। ये मज़ार शरीफ है और ये जो बड़ा सा मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है यहाँ का। और एक यहाँ पे है मज़ार शरीफ का, जो कि हम यहाँ का ज़ियारत कर देते हैं। हाँ, तो बहुत भीड़ था और जैसे करके हम लोग जैसे न तैसे वीडियो बनाए थोड़ा थोड़ा, तो कुछ लोग बोल भी रहे थे कि बेटा बंद कर लो कैमरा, वीडियो नहीं बनाते हैं और ये नहीं करते वो नहीं करते। बाकी काफ़ी लोग वीडियो बना रहे थे तो हमने भी छिप छिप के और सबके सामने दिखा के, मतलब कुछ कुछ वीडियो हमने बनाया जो कि कुछ लोग बोल रहे थे। मेरा वीडियो कैसा लगा फटाफट कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे अबाउट में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें आप लोग, फटाफट फॉलो करें। आप लोग को दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया मज़ार पे अगर आना है तो न्यू दिल्ली स्टेशन पे उतरने के बाद तो वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं और ऑटो से आ सकते हैं रेड फोर्ट लाल किला के बगल से। वहाँ से बस मिलेगा जो कि 405 और 429 नंबर बस पकड़ेंगे। तो आप कहेंगे कि मुझे निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह जाना है तो वहाँ से 20 रुपये टिकट लगेगा, आप 20 रुपये या 10 रुपये लगेगा। तो वहाँ से आप यहाँ उतरेंगे, फिर वहाँ पे कुछ देर बाद पैदल चलने के बाद यहाँ पे आप दरगाह पे आके फातिहा ज़ियारत कर सकते हैं।